वार्निंग माई डिस्टूडेंट पे अटेंशन टू वट आई विलच टूडे टुडे आई विल टीच कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर टेम्परेचर मेजरमेंट का कॉमन यूनिट इसमें फर्स्ट है डिग्री सेल्सियस द कॉमन यूनिट ऑफ मेजर मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस हुई चीज़ डिटेन एज सी पावर जीरो कह रहा है कि टम्परेचर मेजरमेंट का कामन यूनिट डिग्री सेल्सियस होता है ठीक है न जिसको हम सी उसके पावर जीरो से इंडिकेट करते हैं ओके okay, तो हम क्या बोल सकते हैं कि द काम यूनिट ऑफ मेजरिंग टम्परेचर ई डिग्री सेल्सियस विच इज रिटेन आइज सी पावर जीरो ठीक है इन दिस स्केल इस स्केल में द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर इज जीरो डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आन सेल्सियस स्केल इज हंड्रेड इस स्केल में आइस के मेल्टिंग पॉइंट को जीरो डिग्री सेल्सियस तथा वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को हंड्रेड डिग्री सेंटी सेल्सियस से इंडिकेट किया जाता है इन दिस स्केल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर आइस आइस का मेल्टिंग पॉइंट को इस स्केल में जीरो डिग्री सेल्सियस से और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को 100 डिग्री सेल्सियस से इंडिकेट किया गया है ठीक और एक दूसरा ईसाई यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज कैलविन स्केल। द ईसाई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज कैलविन विच इज़ डिनोटेड बाई सिम्बल के टेम्परेचर मेजरिंग का एक दूसरा ऐसा यूनिट होता है कैलविन इसको कैसे इंडिकेट करते हैं इन दिस स्केल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन कैलविन स्केल इज टू सेवेंटी थ्री एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन कैलविन स्केल इज थ्री सेवेंटी थ्री कैलविन कह रहा है कि कैलविन स्केल पर वाटर के आइस के मिल्टिंग पॉइंट को 273 सेवेंटी से डिनोट किया गया है और वाटर के बॉइल आइस के मिल्टिंग पॉइंट को 273 और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को 373 सेवेंटी से डेट करते हैं तो टम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इक्वल टम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273 यदि केल्विन स्केल पर टेम्परेचर का शुरू करना होगा तो सेल्सियस स्केल पर जो टेम्परेचर होगा उसमें 273 ऐड कर देते हैं तो वह सेल्सियस स्केल पर टेम्परेचर कैलविन स्केल में चेंज होता है कीजिए सपोज करते हैं कि कोई टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में दिया हुआ है इसको हम कैलविन में चेंज करना चाहते हैं तो इस सेल्सियस स्केल के टेम्परेचर में हम प्लस टू सेवेंटी थ्री ऐड कर देते हैं देखते हैं एक एग्ज़ाम्पल इसके बेस पर हम समझने की यह की कोशिश करते हैं कह रहा है कि कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ़ ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड टू कैलविन स्केल ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को कैलविन स्केल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे भाई तो हमें किस में कन्वर्ट करना है कैलविन स्केल में तो यहाँ पर लिखेंगे कि टम्परेचर ऑन कैलविन स्केल इक्वल टम्परेचर ऑफ सेल्सियस स्केल प्लस टू सेवेंटी थ्री ओके तो टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल पर कितना दिया हुआ है ट्वेंटी फाइव और प्लस इसमें कितना कर देंगे टू सेवेंटी थ्री तो यह सेल्सियस वाला जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा कैलविन में कलर्ट हो जाएगा दस टम्परेचर ऑफ ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड ऑन सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू टू नाइंटी एट कैलविन आन द कैलविन स्केल मीन्स सेल्सियस स्केल पर ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सेल सेल्सियस स्केल पर ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कैलविन स्केल पर टू सेवेंटी एट डिग्री टू सेवेंटी एट कैलविन की इक्वल होता है नेक्स्ट एग्जाम्पल कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ थ्री हंड्रेड टू सेल्सियस स्केल अब क्या कैलविन के में दिया हुआ है इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे उसका उल्टा उसमें हम ऐड करते थे और इसमें जो है कि जो कैलविन का टेम्परेचर होगा उसमें से 273 सेवेंटी थ्री कर देंगे देखते हैं कैसे सॉल्यूशन। टम्परेचर ऑन कैलविन स्केल इक्वल टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल और प्लस टू सेवेंटी थ्री कैलिमेंट में कितना हुआ है भाई तो थ्री हंड्रेड है इक्वल टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल और प्लस टू सेवेंटी थ्री हमें फाइंड क्या करना है टम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल शिफ्ट कर दीजिए इस साइड और इसको इस साइड तो टम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल इक्वल थ्री हंड्रेड माइनस टू सेवेंटी थ्री मैनस हो जाएगा कैलविन इसके टेम्परेचर में से टू सेवेंटी थ्री माइनस कर देंगे तो ये सेल्सियस में क्या हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है तो इस तरह से यदि हमें टेम्परेचर कैलविन से सेल्सियस में करना है कैलविन से सेल्सियस में तो टू सेवेंटी थ्री माइनस कर देंगे और यदि सेल्सियस से कैलविन में करना है तो 273 ऐड कर देते हैं ठीक है ना और इस प्रकार से सेल्सियस का टेम्परेचर कैलविन में और कैलविन का सन टेम्परेचर सेल्सियस में चेंज होता है दैट्स साल